यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है यार, एंड ये बहुत ही कोजी है। किस टाइप की जैकेट लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अभी मैं घर के अंदर थी एंड बारिश हो रही थी अभी, तो घर के अंदर बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं, तब प्लेजेंट सा लग रहा है। लेकिन मैं बाहर आई हूँ, मुझे आए हुए जस्ट 30 सेकेंड्स हुए हैं और मेरी कुल्फी जम गई है, और बहुत ठंड हो रही है कैनेडा में, टोरंटो में बहुत ठंड हो रही है अभी। और आप देख सकते हो फॉल सीजन चल रहा है अभी, एंड जो लीव्स का कलर है, पत्तों का जो कलर है, वो भी चेंज हो गया है, ग्रीन से येलोइश हो रहा है, और कहीं कहीं ट्रीज के रेड हो रहे हैं, एंड मुझे लग रही है बहुत ठंड यार। सो कैन यू प्लीज पास में जाकर, मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये अगर आप देख सकते हो, मैंने लेबल भी नहीं हटाया इस जैकेट का अभी। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जब मैं टोरंटो प्रीमियम आउटलेट्स गई थी फॉर विंटर शॉपिंग, एंड आई गॉट माई फर्स्ट जैकेट विच इज़ दिस, एंड ये बहुत ही कोजी है, बहुत ही वॉर्म है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी करा था रिगार्डिंग किस टाइप की जैकेट लेनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, डूज डोंट्स एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस कि आपको किस टाइप की विंटर वेयर लेनी चाहिए, जैकेट्स कैसी होनी चाहिए, एंड स्नो बूट्स कैसे होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज़ हाउ टू सर्वाइव विंटर्स इन कैनेडा। सो चलो बाकी की बातें करते हैं अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है यार। चलो लेट्स गो। सो एज आई टोल्ड यू, सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दैट, सो डूज एंड डोंट्स ऑफ बाइंग विंटर वेयर इन कैनेडा। सो फॉर ऑल दोज जो आने वाले हैं कैनेडा इन विंटर्स, या जो नए हैं यहाँ पे, हुआ न्यू कमर्स टू कैनेडा एंड देर प्लानिंग टू गो फॉर देयर फर्स्ट विंटर शॉपिंग, तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइज। सो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि विंटर वेयर में थोड़ा सा अच्छे से इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि विंटर वेयर यहाँ पर जो भी आप जैकेट्स या स्नो बूट्स या वॉट एवर यू आर टेकिंग फॉर विंटर्स, वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक साल चलेगा या दो साल चलेगा या फ्यू मंथ्स के लिए चलेगी वो चीज़ आपकी, तो वो डेफिनेटली 4 से 5 साल और मे बी मोर देन दैट। कहीं कई लोगों की जैकेट्स तो मैंने यहाँ पर, जैसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, तो 10-10 साल से एक ही सेम जैकेट दे आर वेयरिंग इन विंटर्स। और अगर आप इन्वेस्ट करो ना एक अच्छी ब्रांडेड जैकेट में, एक क्वालिटी जैकेट में और क्वालिटी स्नो बूट्स में, तो डेफिनेटली वो 5-6 साल प्लस चलेंगे चलेंगे। बट येस, डेफिनेटली यू शुड मेक अ बजट कि क्या बजट है आपका, और उसके अकॉर्डिंगली आप जाके खरीदो। ऐसा भी नहीं है कि जाके सीधा कैनेडा गूस की जैकेट खरीद ली, दो कैनेडा गूस इज़ अ रियली गुड ब्रांड। कैनेडा गूस की जैकेट्स, फुटवेयर, विंटर वेयर बहुत ही अच्छा होता है, बट डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव होता है, एंड डिस्काउंट्स भी आई डोंट थिंक सो होते हैं। सो अभी मैं कुछ दिन पहले कैनेडा गूस गई थी चेकआउट करने वहाँ पर जैकेट्स, एंड इट वॉज रियली एक्सपेंसिव, दो द क्वालिटी वॉज रियली नाइस, बट डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, एंड मे बी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आई विल प्लान टू बाय दैट, अभी तो नहीं। जस्ट ट्राई एंड नॉट गो फॉर चीप क्वालिटी स्टफ। विल टॉक अबाउट कि क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए विंटर वेयर के लिए। सो जैकेट्स लेनी ज़रूरी है, देन स्नो बूट्स, अ मफलर इज़ रिकमेंडेड टू कवर योर नेक, उसके बाद आप ईयर मफ ले सकते हो, ईयर्स कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, सो ईयर मफ ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा अ वॉर्म पेयर ऑफ सॉक्स आप ले सकते हो, प्लस वॉर्म लेगिंग्स ले सकते हो। सो विल स्टार्ट विथ जैकेट्स कि किस टाइप की जैकेट्स लेनी चाहिए, कौन से ब्रांड्स की लेनी चाहिए। सो पहले ब्रांड्स की बातें करते हैं कि कौन से ब्रांड की जैकेट्स अच्छी हैं जो आप ले सकते। सो फर्स्ट इज कोलंबिया, विच इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। सेकेंड इज एडी बावर। तो मैं ये रैंडम नाम बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि 1, 2, 3, 4 कुछ वो रेटिंग है ब्रांड्स की, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट रैंडम ब्रांड्स विच आई चेक्ड ऑनलाइन कि कौन कौन से रिकमेंडेड है, फिर काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जिन्होंने मुझे रिकमेंड करा वो ब्रांड्स, सो उसके बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। कोलंबिया जा सकते हो आप, एडी बावर जा सकते हो, देन यू कैन गो टू नॉर्थ फेस, देन दे इज हडसन बे। सो हडसन बे इज बेसिकली वन स्टॉप फॉर एवरी थिंग, मतलब उसके अंदर आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। देन यू कैन चेक आउट माउंटेन वेयर हाउस की जैकेट्स। सो ये 3-4 ब्रांड्स है विच आर हाईली रिकमेंडेड। सो अब आप जब जैकेट्स लेने जाओ तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो गाइज, दिस इज द जैकेट दैट आई गॉट फ्रॉम द ब्रांड कोलंबिया, और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मतलब काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं 2-3 सालों से, दे रिकमेंडेड मी दिस ब्रांड कोलंबिया। सो मैंने जो अपनी जैकेट ली है वो कोलंबिया ब्रांड से ली है, और सो दिस इज ओमनी टेक टेक्नोलॉजी। सो ये इनकी खुद की टेक्नोलॉजी है, और इसका मतलब है दिस इज द वार्मेस्ट जैकेट। सो इफ यू कैन सी इनसाइड द जैकेट,
तो ये आपको जो दिख रही है लेयर, इसको ओमनीटेक बोलते हैं। सो दिस कीप्स द जैकेट रियली वार्म एंड हीट रिटेन्ड। सो फर्स्टली जो चीज़ आपको देखनी चाहिए दैट इज़ बॉडी कवरेज कितनी मिल रही है जैकेट में आपको। ज़्यादा छोटी जैकेट रिकमेंडेड नहीं है, मैक्सिमम बॉडी कवरेज इस जैकेट में हो दैट इज़ रिकमेंडेड। सो बेसिकली यू शुड गो फॉर पार्का जैकेट्स। तो पार्का जैकेट्स बेसिकली लॉन्ग जैकेट्स को ही बोलते हैं यहाँ पे। पार्का जैकेट्स जो बिलो द नीज आती है, नीज तक आती है, जो लॉन्ग जैकेट्स होती हैं बेसिकली। सो मैंने जब ये जैकेट पहनी थी, मुझे ये नीज तक कवर कर रही थी। सेकेंड थिंग जो आपको देखनी चाहिए वो है कि जैकेट्स हैवी नहीं होनी चाहिए, लाइट जैकेट होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू कैरी दैट। जितनी हैवी जैकेट होगी उतना आपको प्रॉब्लम होगा यार कैरी करने में, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी। सो जस्ट गो फॉर लाइट वेटेड जैकेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हो, वो है कि आपकी जैकेट में डबल जिप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सो इसमें आप देख सकते हो दो जिप हैं, तभी मैं डबल जिप बोल रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट जिप एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। तो एक जिप से मैंने ये पूरा कवर कर लिया, जैकेट बंद हो गई, और सेकेंड जिप से मैं नीचे से इसको अगर जितना मैं ओपन करना चाहूँ, जब मुझे बैठना हो, कंफर्टेबल हो मेरे लिए, तो मैं ओपन कर सकती हूँ। एंड सो दिस इज़ कॉल्ड डबल जिप कॉन्सेप्ट। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जब जैकेट लो, आप ये चीज़ डेफिनेटली अपनी जैकेट में देखो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है वेलक्रो। सो दिस इज़ दी वेलक्रो, ये जो स्टिक ऑन टाइप आप देख सकते हो। सो ये भी रिकमेंडेड है, और मैंने डेफिनेटली ये चीज़ देखी थी और तभी ये जैकेट लिए। इसमें है ये ऑप्शन वेलक्रो का। तो इंडोर्स आप कहीं भी यहाँ पर हो गए, चाहे मेट्रो में हो, बस में हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, तो अंदर तो हीटेड होता है। तो आप कहीं से कहीं जा रहे हो, अंदर आप बैठोगे तो आप जैकेट रिमूव कर सकते हो। आप फटाफट समझो आपको वहाँ से निकल के कहीं जाना है, तो जिप माई टेक टाइम बंद करने में, खोलने में, ठीक है। तो वेलक्रो का ये फ़ायदा होता है कि आप फटाफट इसको ऐसे बंद करोगे कि स्टिक हो जाएगा एंड द जैकेट विल बी क्लोज्ड। तो इसलिए वेलक्रो इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पॉकेट्स होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस टाइप की पॉकेट्स होनी चाहिए जैकेट में। सो काफ़ी सारी जैकेट्स मैंने वहाँ पर देखी जहाँ पर यू नो ऐसे वाली पॉकेट होती है, यहाँ पर स्क्वायर शेप की जो होती है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर स्क्वायर शेप की जाती है। सो यू कैन पुट योर हैंड लाइक दिस इन द जैकेट लाइक दिस, विच इज़ नॉट कम्फर्टेबल, ठीक है। तो हमेशा पॉकेट साइड में होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अंदर फ्लीस होना चाहिए, मतलब सिर्फ लिनन नहीं होना चाहिए अंदर, सिर्फ कपड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब वूलन कपड़ा होना चाहिए, फ्लीस होना चाहिए अंदर, सो दैट वार्म रहे आपके हाथ वहाँ पर, जो इसमें था। ओके, सो आफ्टर दैट जो आपका आर्म, जो आपका रिस्ट एरिया है, उसके अराउंड पे फ्लीस होना चाहिए, विच इज़ दिस। सो दिस इज़ द रिस्ट एरिया के अराउंड वाला फ्लीस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो होना ज़रूरी है, सो दैट आपके हाथ में, अगर आपने ग्लव नहीं भी पहने हो तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। सो दिस विल कीप योर आर्म्स एंड रिस्ट वार्म। सो दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। जैकेट विद हुड इज़ हाईली रिकमेंडेड। सर कवर करना विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस ये डिटैचेबल होनी चाहिए, सो दैट जब भी आप इसको वॉश करो, इट्स ईजी टू वॉश, इट कैन बी वॉश इन द मशीन। अगर आपको सिर्फ हुडी वॉश करनी है तो आप अलग से वॉश कर पाओ। सो जस्ट चेक की वेदर इट्स डिटैचेबल और नॉट। सो आप देख सकते हो ये डिटैचेबल है, यहाँ पर ये बटन्स दिए हुए हैं एंड आप इसको डिटैच कर सकते हो पूरा खोल के। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए दैट इज़ जैकेट्स जो है वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए। सो ऑलवेज़ गो फॉर वाटर प्रूफ जैकेट्स। वन मोर पॉइंट विच आई वुड लाइक टू ऐड कि जैकेट्स आप जब भी लो ना, तो उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल फिटेड भी मत लो, थोड़ा सा लूज हो तो बेटर है, सो दैट यू कैन लेयर योर सेल्फ अप। सो दिस जैकेट कॉस्टेड मी अराउंड $280 प्लस टैक्सेस, एंड आई थिंक कुछ 10% डिस्काउंट भी मिला था मुझे एक्स्ट्रा। सो आपको हर प्राइस रेंज की जैकेट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि 200 की रेंज में मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। कम रेंज की भी मिल जाएगी, 150 के अराउंड में मिल जाएगी। प्लस अगर आप ब्लैक फ्राइडे सेल पर जाते हो या हेलोवीन इनके अराउंड जाते हो, तो वहाँ पर काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे होते हैं। सो यू माइट लैंड अप अ गुड डिस्काउंट और ऑफर, तो हो सकता है आपको एक अच्छी जैकेट थोड़े कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। सो नाउ मूविंग ऑन, विंटर जैकेट ले ली, उसके बाद विंटर बूट्स। सो अभी मैंने विंटर बूट्स लिए नहीं है, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं। सो मैंने 2-3 ब्रांड्स के ना विंटर बूट सेलेक्ट करके ऑनलाइन कार्ट में डाल दिए, मुझे ऑर्डर करना है। सो आई विल बी ऑर्डरिंग इन अ डे और टू, आई थिंक 4-5 डेज में वो डिलीवर भी हो जाएंगे। तो मैंने आउटलेट मॉल से इसलिए बूट्स नहीं लिए, एक तो बहुत लंबी क्यूज थी, क्योंकि हम जब गए थे इट वॉज थैंक्स गिविंग वीकेंड ओनली। सो डेफिनेटली डिस्काउंट मिलता है जब आप ऐसे कोई फेस्टिव टाइम पे जाओ, बट बहुत लंबी क्यूज होती है। बट या तो मॉर्निंग के टाइम में चले जाओ जब थोड़ा सा क्राउड कम हो, एंड यू कैन ईजिली गो शॉप कर सकते हो और आप अपना सामान लेकर आ सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, विंटर बूट्स
कि जो ब्रांड्स हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप जिस ब्रांड के परचेज कर सकते हो, स्नो बूट्स वो हैं, टिम्बरलैंड है, देन अगेन कोलंबिया के काफ़ी अच्छे विंटर बूट्स हैं जो मैंने चेकआउट भी करे थे वहाँ पर, बट जो मुझे अच्छा लग रहा था उसका साइज़ नहीं था उस टाइम अवेलेबल कोलंबिया के स्टोर में। देन सॉफ्ट मॉक है, सोरल है, सो दीज आर द ब्रांड्स जहाँ पर आपको अच्छे बूट्स मिल जाएंगे। तो अब आपको एक अच्छे बूट्स में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो फर्स्टली इट शुड बी इंसुलेटेड, वॉर्म होने चाहिए डेफिनेटली, देन एंटी स्लिप होने चाहिए क्योंकि आपको स्नो पे वॉक करना है, यहाँ पर अभी कुछ टाइम बाद नवंबर से यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी ऑल वाइट हेयर, तो आपको बेसिकली मतलब रोड वोड कुछ नहीं दिखेगी, आपको स्नो के ऊपर ही चलना पड़ेगा, इट कैन बी मेल्टेड स्नो या फिर पूरी वाइट हैवी स्नो हो सकती है, सो इसलिए एंटी ग्रिप एंड एंटी स्लिप होना बहुत ज़रूरी है स्नो बूट्स में। तो आप जब भी स्नो बूट्स खरीदो जस्ट चेक द टेम्परेचर कि वो स्नो बूट्स कितने टेम्परेचर तक आपको वार्म रखेगा, आई थिंक जनरली टोरोंटो के लिए -20 to -30 का टेम्परेचर इज़ गुड इनफ, सो या देन अगेन जैसे मैं जैकेट के लिए बता रही थी लाइट वेट होनी चाहिए, वैसे बूट्स भी लाइट वेट होने चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू बाइंग बूट्स इज दैट कि जो आपका साइज़ होगा ना शूज़ का, जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे आई वुड से कि एक साइज़ बड़ा लेना, क्योंकि आप बूट्स के साथ अंदर सॉक्स भी पहनोगे एंड जो विंटर सॉक्स होती है, वार्म सॉक्स होती है, वो थोड़ी थिक भी होती है कंपेयर टू जो हम नॉर्मल सॉक्स पहनते हैं उससे, सो दैट इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू गाइज़ कि एक साइज़ लूज़ होगा तो बेटर होगा। सो जो बाकी की चीज़ें लाइक वार्मर्स हो गए, लेग वार्मर हो गया, तो ये सब आप अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो एंड मार्शल विनर से भी चेकआउट कर सकते हो, अमेजोन में काफ़ी अच्छे काफ़ी सारी वैरायटी है वार्मर्स की, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको डेफिनेटली चाहिए टू सर्वाइव कैनेडियन विंटर, सो दैट इज़ दिस बीनी, सो यहाँ पर इसको टूक भी बोलते हैं एंड ये तो मैं इंडिया से लेकर आई थी फ्रॉम डीकैथलॉन, और ये काफ़ी वार्म है क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं मार्च में यहाँ पर आई थी तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी और -5 -6 तक टेम्परेचर था तब भी, तो आई यूज़ टू वेयर दिस एंड दिस यूज़ टू कीप माई ईयर्स एंड माई हेड रियली वार्म। सो जब भी आप बीनी या टूक लेने की सोचो, सो जस्ट गो फॉर अ गुड इंसुलेटेड वार्म कैप एंड आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। सो नेक्स्ट यू शुड परचेज अ गुड वार्म पेयर ऑफ ग्लव्स, जब भी आप ग्लव्स परचेज करो जस्ट गो फॉर अ गुड वार्म पेयर ऑफ ग्लव्स जो वाटरप्रूफ हो, टच स्क्रीन फ्रेंडली हो, क्योंकि यू नो जब आप बाहर जाओगे विंटर्स में वेयरिंग ग्लव्स, हाथ कवर करके जाओगे, ग्लव्स पहने होंगे तो आपको फ़ोन ऑपरेट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। येस्टरडे ओनली आई वेंट टू मार्शल्स एंड विनर्स, वहाँ पर भी बहुत सारी वेरायटी होती है। सो नेक्स्ट विंटर वेयर जो आपको परचेज करना चाहिए, सो दैट इज़ अ स्टोल, सो ये जो स्टोल है ये काफ़ी वार्म है और ये भी मैं इंडिया से लेकर आई थी, बट मैं एक और स्टोल सोच रही हूँ परचेज़ करूँगी, ओल्ड नेवी में काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने स्टोल्स देखे थे, काफ़ी वार्म लग रहे थे, आप वहाँ से ले सकते हो। शीन में काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है वार्म स्टोल्स की, वो ले सकते हो, अगेन विनर्स एंड मार्शल में आप देख सकते हो। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैं अगेन इंडिया से लेकर आई थी विच इज़ दिस नेक वार्मर, और ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, मार्च में मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी यूज़ करने की बिकॉज आई वॉज वेयरिंग अ जैकेट यूजिंग अ स्टोल अ बीनी, सो आई डिडंट यूज़ दिस, तब ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, बट मे बी -30 में तो डेफिनेटली ये पहनना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ नेक वार्मर जो आप ऊपर से हेड से अपने इसको नीचे यहाँ पर नेक में पहन सकते हो, नॉर्थ फेस या मार्शल विनर्स में आराम से आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को विंटर रेडी करेंगी यहाँ पर कैनेडा में, एंड इसके अलावा आई डोंट थिंक सो यू नीड एनीथिंग एल्स, एंड इसके अलावा जस्ट बी पॉजिटिव, ईट हेल्दी, हैव अ गुड प्रोटीन डाइट, सो इफ यू लिविंग इन अ कॉर्नर डेफिनेटली यू कैन गो एंड यूज़ द जिम, या घर में हो तो योगा या एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हो करो, सो दैट योर बॉडी इज़ हेल्दी एंड आई एम श्योर विंटर्स निकल जाएगी, सो लेट्स सी। सो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मी कि आपको किस तरीके के विंटरवेयर खरीदने चाहिए, ऑल द डूज एंड डोंट्स ऑफ बाइंग अ विंटरवेयर। आई थिंक दैट इज इट गाइज फॉर दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को फिर भी कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स होते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो गाइज दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।